हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं टॉप 5 लेस्बियन सीरीज के बारे में बताने वाली हूं जो कि इंडिया में रिलीज हुई है और इन सीरीज को जरूर देखना चाहिए। फिलहाल काउंटडाउन शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। हमारी इस लिस्ट के नंबर 5 पर है सास बहू और फ्लेमिंगो। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 7.8 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस सीरीज में आप बिजली और नैना की लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो बिजली एक ड्रग डीलर थी और नैना एक डीजे। दोनों एक दूसरे को 5 साल से डेट कर रहे थे और दोनों का सपना था बर्लिन में साथ रहने का। और बिजली शादीशुदा भी थी, लेकिन वो एक पिंजरे में कैद थी जहां से बाहर निकलना मुश्किल था। और नैना ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया था बिजली को समझाने की, लेकिन क्या दोनों आगे एक हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पर है हेलो रिमेम्बर मी। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ था और सीरीज को IMDb से 5.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस सीरीज में आप तोड़ी और मालिनी की लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो मालिनी पहाड़ों में घूमने गई थी अपने फैमिली के साथ और वो प्रेग्नेंट भी थी, जहां पर उसकी मुलाकात होती है तोड़ी से जो उसकी एक्स थी। और मालिनी उसके लाइफ से बिना कुछ बताए गायब भी हो गई थी, लेकिन तोड़ी आज भी उसी से ही प्यार करती थी। और मालिनी को फिर से पाने की कोशिश में तोड़ी उसके ससुराल तक पहुँच जाती है, लेकिन अंत में क्या होता है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को आप जियो सिनेमा ऐप पर या फिर होइचोई ऐप पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर है मेड इन हेवन सीजन 2। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 8.2 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस सीरीज के एपिसोड 6 में आप राधिका और अदिति के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो राधिका जो एक लॉयर थी और अदिति जो एक टीचर थी, दोनों शादी करना चाहते थे और इसलिए दोनों मेड इन हेवन के पास आए थे। अब प्रॉब्लम ये थी, राधिका के पेरेंट्स ने उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था और स्कूल में अदिति को बोला जाता है इस बात को प्राइवेट रखने के लिए, नहीं तो अदिति के जॉब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो आगे दोनों क्या करते हैं, उन दोनों की शादी हो पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 2 पर है लव बाइट्स। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ है और फिलहाल इसकी कोई रेटिंग्स नहीं है। इस सीरीज में आप धारा, अम्बल और मावा इन तीनों की स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो धारा के लाइफ में अम्बल ऐसे फ्लैटमेट आई थी और वो धारा से प्यार भी करने लगी थी, लेकिन धारा और मावा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अम्बल को ये बात पता नहीं था। और जब उसे ये बात पता चला तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो आगे अम्बल अपने उस प्यार को पाने के लिए क्या क्या करती है, यही देखने लायक है सीरीज में। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप URTV ऐप पर देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर है रॉन्ग नंबर। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ है और फिलहाल इसकी कोई रेटिंग नहीं है। इस सीरीज में आप दिव्यांशी और रागिनी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो दिव्यांशी जो सुसाइड करने जा रही थी, तभी कॉल पे रॉन्ग नंबर के थ्रू रागिनी उसे समझा के बचा लेती है। और उस इंसिडेंट के बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। लेकिन रागिनी की एक पास्ट भी था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ के शादी कर लिया था और इसी पास्ट के वजह से वो दिव्यांशी को खुद से दूर कर रही थी। लेकिन आगे दोनों साथ में रहेंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप URTV ऐप पर देख सकते हैं जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और इसी के साथ ये काउंटडाउन यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।